हाँ जी, कि भारत के जो जो एकदम कम से कम पैसा से खरीदने वाला साइकिल भी में जा सकते हैं। देख, देखो हम पता लगता भी स्नो पै रही है पर... दोस्तों मैं नवदीप लैमीनेशन कॉर्नर तो अज साडा तीजा दिन अज असी लेह तो नूबरा वाल जा रहे हैं। रास्ते विच खारगंबला पास आऊगा जिहड़ा हाईएसट मोटरेबल रोड है। वैसे एक हुण बी आर ओ ने होर भी बनाता है, सैकेंड हाईएसट हो गया, पर फिर भी बहुत बंदा जिहड़ा भी आउंदा है वह इत्थे आके ही जांदा है। गाह हुंदर विलेज आऊगा जिथे सानूं सैंड ड्यून्स मिलणगे। पहाड़ी इलाके दे विच भी रेगिस्तान है, इत्थे वो भी दिखावांगे सानूं। अज बने रहो। ले तो खारदुंगला वाली रोड ते चढ़न सार परमिट चैक होया साडा, ते परमिट असी बना लिया सी ऑनलाइन। मैं डिस्क्रिप्शन च उहदा लिंक भी दे दूंगा, बहुत ईजली बन जांदा है। इत्थों खारदुंगला 34 किलोमीटर है। रास्ते दे नज़ारे बहुत वधिया, रोड भी शुरुआत चंगी हुई है, रोड भी चंगा है, बाकी अगे देखते हैं। भाई साहब बार बार वीडियो च सानू रोड दिखाउण दा जी करदा है। मैं कल भी कहा सी, मैं हां ऐ जी करदा भी वीडियो बनाई जाइए लगातार, पर इन्ने वड्डे ब्लॉग पाए नहीं जा सकते। फिर भी सानू शॉर्ट थोड़े 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 व्यू दिखाते चलांगे। देखो देखो असी भी उत्थे आना पहाड़ां दे विच्चों, सड़कां देखो किन्नियां सोहणियां लग रही ने। माचिस दीआं डब्बियां लगदियां एडियां वड्डियां वड्डियां गड्डियां। ताना जिन्हां ने पहाड़ चीर के रोड बनाए ने। साउथ पुल्लू, असी साउथ पुल्लू चेक पोस्ट पर पहुँच गए हैं। इत्थे एंट्री होंदी है गड्डी दी, गड्डी दा नंबर, किन्ने परसन हो, कित्थों आए हो, किधर जा रहे हो, ये सारा नोट करवाना होंदा। ते थोड़ा कुछ खा लिया, भुख लगी हुई है, रूम चो निकलिया सी जल्दी, उत्थे कुछ करदा नहीं। चलो मिलते हैं। एक सानू अपडेट देनी सी, जे तुसी साउथ पुल्लू ते खड़ते हो जदों एंट्री कराउण दे लई, तां जे कुछ खाना पीना चाहुंदे हो तां खा सकदे हो। मैं पता कीता वी अगे काफ़ी देर तक कोई खाण पीण वाली स्टॉल नहीं आउंदी इत्थे, ते बाथरूम बने हुए ने। बाथरूम है तां थोड़े गंदे ही, पर मजबूरी है, बंदे ने यूज़ करना कर सकदा। ते जिहड़ा कुछ खाना पीना खा सकदे हो, पर खायो बिल्कुल हल्का, क्योंकि जिन्ना हैवी खाओगे जां मसालेदार खाओगे उन्ना ही सानू सांह लैण दे विच दिक्कत आ सकदी है अगे जाके। साउथ पुल्लू तो बाद रोड की चढ़ाई थोड़ी जी वध गई है, हुण रोड खुला हो गया, देखते हैं कित्थे तक जांदा। फिर सानू अगे इहदी भी अपडेट देवांगे। इत्थे थोड़ी गड्डी चलाउणी ईजी हो जाती है, उस रोड पर थोड़ा जिहा ध्यान रखना पैंदा। रोड साउथ पुल्लू तक भी वधिया सी लेह तों, इह थोड़ा जिहा हुण चढ़ाई वधदा इहदी, अगे दिने सानू होर अपडेट। देखो जी
ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਲਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸਨੋ ਦੇਖੋ देखो जी कि मैं पहाड़ों का सीना चीर के रोड बने हुए देखो कितना सुंदर नज़ारा स्नो नाल भरिया हुई चोटियां थोड़े थोड़े स्नो फ्लैक्स भी इतने गिर रहे हैं मोबाइल से पता नहीं लगता बहुत बरीक स्नो है जिन्हों आप अपने जो कहने भूर पै रही है उस तरह नाल दिख रही है स्नो फ्लैक्स देखो फुल आनंद हैलो सर मजेदार कहाँ से आए हो आप मैं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से हूँ पूरा भारत भ्रमण पर निकले 2020 में दिसंबर की अच्छा लगभग डेढ़ साल के बाद अभी तो खाटूना के नजदीक और साथ ही साथ देख रहे देसी साइकिल अच्छा डेढ़ साल हो गया आपको अच्छा साइकिल भी सिंपल है बिल्कुल देसी साइकिल देसी चीज हाँ हीरो का देसी साइकिल जो पुराने चलते थे ठीक है ठीक है आपको डेढ़ साल हो गया निकले हुए ठीक है तो कितने ये जर्नी से और भी बात कहना चाहूंगा हाँ जी कि भारत के जो जो एकदम कम से कम पैसा से खरीदने वाला साइकिल भी में जा सकते हैं इसके लिए लाखों रुपए साइकिल की जरूरत नहीं है हाँ सही बात आपकी हम ना पीछे खड़े मैंने चार पांच बार पूछा लोगों से हम गाड़ी पे आए हैं कोई आगे रास्ते में दिक्कत तो नहीं आएगी लेकिन आपको देखते हुए तो ये लग रहा है अभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है अगर आप जो दिक्कत समझेंगे वही दिक्कत सही बात है आपके हौसले को सल्यूट है भाई साहब आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हाँ थैंक यू देखो जी सलाम है अजे लोगों इन्हों देख के हौसले सत्तवें आसमान पर हो जाते हैं डेढ़ साल हो गया बाई नू चले नू हले कहना मैं सारा इंडिया घूमना गा तो तुम देखो भी आप गड्डियां चा के मोटरसाइकिल से आके कई बार सोचते हैं गा भी रोड पर कोई दिक्कत ना आए तो तुम इन्हों का हौसला देखो रोड फिलहाल पूरी वधिया चल रही है किसी किस्म की कोई भी दिक्कत नहीं मिलते हैं सानू अगे खार दुंगला दिखाने टॉप चीज दिखा दिए पहाड़ों के खास करके लेह लद्दाख दियां सड़कां दे विच कई बार बहुत दुखदाई घटना हो जांदियां ने प्लीज़ ड्राइव केयरफुली बी आर ओ का बोर्ड लाया होया प्लीज़ ध्यान रखियो मैं ता ही गड्डी रोक के बनाई है वीडियो दी ते स्नोफॉल शुरू हो गई हल्की हल्की सानू भी दिखाई दे रही हो मोबाइल च बड़े जबरदस्त नज़ारे ने सो जरूर ध्यान रखियो गड्डी चलाउण वेले धन्नवाद अगे होर भी नज़ारे दिखाउणे आ विच दी छोटे छोटे स्ट्रैच जे आ रहे ने टुट्टी सड़क दे वैसे कुल मिला के हले तक सड़क ठीक चल रही है स्नो पै रही है ज़्यादा हैवी नहीं पर हल्की हल्की स्नो हो रही है देखो जी स्नोफॉल जिमें जिमें अगे वध रहे हैं बिच लगता है जिमें बारिश हो रही होंगी है पर है स्नो है देखो जी जिमें जिमें अगे वध रहे हैं स्नो दे नज़ारे भी वधते जा रहे ने पहली बार मैं भी समार के जे स्नोफॉल देखी एक बारी शिमले देखी सी बहुत थोड़ी जी पर इत्थे तां इत्थे रुकियो वाह जी वाह 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 सिरा होया पिया जमा देखो आ खड़ी है साडी चिट्टी घोड़ी ते देखो जिमें बर्फ दे विच किवें पानी पिघल पिघल के जदों डिगदा गा तां पानी किस तरह जम जांदा देखो हौली आयो स्लिपरी आ थोड़ा देखो देखो है ना कमाल कुदरत दे करिश्मे देखो हुण पता लगता भी स्नो पै रही है पर चले देखो मेरे पीछे स्नो
देखो टूरिस्ट बहुत खड़ गए इतने देख देख के, आनंदमई आनंदमई बहुत वजिया। जरूर आयो कदे इतने, जरूर आयो जरूर आयो। सॉरी मेरा हाथ आ गया सी विच वीडियो दे। लो जी पहुंच चुके हैं असी खारदुंगला। उरे भी स्नोफॉल हो रही है, जिथे पिछे रुके सी उत्थे थोड़ी जी ज्यादा सी, पर हो इत्थे भी रही है। जिमें रब आप हाथ फड़ के सुपना पूरा कराउंदा ना, उस तरह महसूस हो रहा है। मैं हुण तुहानू की दसा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हाँ। देखो पर इतने कहते 10-15 मिनट तो ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हाइट काफ़ी है तो सह फुलन लग जाता है। मेरा भी थोड़ा थोड़ा सह फुल रहा, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा। ये किस्मत वाली गल है भी नाल स्नो भी हो जाए तो 4 चन्न लग जाते यात्रा नूं, तो स्नो हो भी रही है। देखो पर मैंने एक चीज़ ने बड़ा फायदा दिता, मैं अदरक का पीस मूँह च रखा होया, ये बहुत फर्क रहा, सह चढ़ रहा पर काफ़ी फर्क है। खारदुंगला हाइट 3500 सॉरी गलत पढ़िया गया सी, हाइट है 17,892 फीट। देखो जी 6-6, 7-7, 8-8 फुट कंधा लगिया पईआं ने साइड ते बर्फ दियां। देखो 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 रंग बन्ने पए, रब ने अज मेहरबान सीगा, स्नोफॉल भी दिखाती सानू। देखो सारे पहाड़ बर्फ नाल भरे पए आ। मिनट बाद आए होंगे मैनू, मैं सोनू दिखा दें नज़ारे। आ इतों की कोई प्रार्थना करते हैं लोकल्स ने। याक देखो जी इधर तो भज गए, असी पहुँच चुके हैं जी नॉर्थ पुल्लू। इत्थे सानू खाण पीण दियां काफ़ी ऑप्शनज मिल जाणगियां, ते उरे भी अपने एंट्री करवानी हुंदी है, ते एंट्री करा के जरूर जाए, हुए अपनी भी सेफ्टी है। ते खाण पीण दियां इत्थे ऑप्शन बहुत ने गियां, जिवें साउथ पुल्लू दे विच तां सिर्फ इक्को ही स्टॉल जी सी, इत्थे बहुत ऑप्शनज ने, तुसीं आराम नाल खा पी सकदे हो। नॉर्थ पुल्लू तो बाद थोड़ा रोड टुटिया हुआ चल रहा, रोड
रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इसलिए थोड़ा जहा दिक्कत है, पर कोई इन्नी खास गल नहीं। गड्डी छोटी वड्डी हरेक तरह की बड़े आराम नाल लंघ रही है। बस थोड़ा ऑफ रोड हैगा, देखते हैं कितने तक चलता है। दिने अगली अपडेट। देखो साइडा पहाड़ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलन करके मेरे ख्याल चाहते एक दो साल यह लेह लद्दाख की ट्रिप बहुत ही आसान हो जानी है। हर किस्म की गड्डी आ सकूगी, टाइम बहुत सेव होया करेगा। चंगा भला ऑफ रोड चल रहा जी। ले आए सी, सोच रहे सी बड़े वधिया रोड पे आए हैं बाहे श्रीनगर होके, पता ही नहीं लग रहा सी, इन्ना सुनते सी ले ऑफ रोड है लद्दाख दे विच एरिए। ते काफ़ी लंबे टाइम तो नॉर्थ पुलू तो ऑफ रोड चल रही है गड्डी। दूजे गेयर तो बस तीजे च करते हैं, फिर दूजे च करनी पै जाती है। एक तरह का ऑफ रोडिंग का आनंद भी है, पर थोड़ा समा बद लग जाता ड्राइविंग नू। लो जी हुण असी खालसर वाली रोड पर पै गए। इत्थे रोड बहुत वधिया चल रही है, खालसर तो असी 15 किलोमीटर पिछे आ गए। खालसर तो 2-3 रास्ते पाड़दे आ, सानू अगे जाके दसांगे। हाँ जी, मैं सोचा सानू नंघते नंघते एक व्यू ही दिखा दिए। देखो रिवर वग रहा थलों दी, नाल देखो वाइट सैंड कितना खूबसूरत लग रहा है। उपर पहाड़ बर्फ वाली चोटियां, सड़क बहुत सोहनी है। इत्थे खालसर नू जा रहे हैं, 15-20 किलोमीटर असी आ गए ते सानू 12-13 किलोमीटर हो रहा है। रोड बहुत वधिया फ्रैश रोड है बिल्कुल। लो जी असी पहुँच गए हैं खालसर। खालसर तो असी समझ लो उधरों आए हैं, सामने जी रोड दिखाई दे रही है तो नूबरा वैली नू यह रास्ता निकल जाता गा। तो जिन्हें ले जाना तो पेंगोंग लेक जाना वो ये रास्ता जाऊगा। जो ती ले तो नूबरा वैली वास्ते आ रहे हो तो समझ लो तुम लैफ्ट टर्न लेना है इस रास्ते पर। तो जोड़ा ये रास्ता सीधा यह निकल जाता ले नू, अगे जाके ले नू एक पासे पाड़ जांदा रास्ता ते एक पेंगोंग लेक नू निकल जांदा। अगे जाके डिवर्जन आउंदा गा। इक जी खालसर दा टी पॉइंट है जी। असी इधरों आए आगे, इधरों ले ते पेंगोंग नू रास्ता साडे पिछे वल नू, साडी गड्डी खड़ी है ते बैक ते जिहड़ा रास्ता देख रहे हो ये जांदा गा ले ते पेंगोंग वल नू। इधर तुसी जाना नूबरा वैली डिस्किट हुंदर विलेज आउंदा जिहड़ा, ते इधर रास्ता निकल जांदा गा सियाचन वालों। इधर जाने लई मिलटरी की स्पैशल परमिशन लेनी पैंदी आ। ते जिहड़ा इह नूबरा वैली आ पेंगोंग आ, इत्थे इनर लाइन परमिट बनदा वो तुसी ऑनलाइन बना सकदे हो। ते जिहड़ा इह रास्ता मैं तुहानू लेह ते पेंगोंग दा दस्सिया, इत्थों अगे जाके एक राइट साइड मुड़ूगा वो लेह वल नू जाएगा। जिन्हें पेंगोंग जाना है वो इत्थों सीधा जाके लैफ्ट टर्न लैणगे। दोस्तों एक गल सानू यह दसनी सी भी पहली गल तो यह आ भी तुसी जिन्निया भी आपां नू लगदा भी आपां नू कोई मेडिसन की लोड़ पै सकदी है किसी भी किस्म की, जिस तरह पेन किलर्स होंदियां ने वॉमिटिंग लई ला लो, कोई हल्का फुल्का एंटीबायोटिक जरूर नाल लैके आओ, क्योंकि जदों तुसी लेह तो आउटर घूमन लई जांदे हो तां इह फैसिलिटीज बहुत घट ने, है ही नहीं आए मान लो। तो एक असी मेरी हुण मिसेज नूं दिक्कत आ गई सी वॉमिटिंग दी, असी खालसा रुके, खालसा एक करियाने दी दुकान है, मैं उहदी वीडियो बनाउणी भुल गया।
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖਾਲਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ੋਪ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਵੀ ਨੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਕਵਰ ਕਰੀ ਪਈ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਹੁੰਦਰ ਵਿਲੇਜ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਊਠਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਊਠ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਹੈ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਉੰਦਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਹਾਂ ਊਂਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨ 'ਚ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵਾਟਰ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੁਦਰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਬਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਮੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਬਲ ਹੰਪ ਵਾਲੇ ਊਠ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਲ ਸਫਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਜ਼ਰਟ ਅੱਗੇ ਵਾਈਟ ਸੈਂਡ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ
किसानां दे बच्चे अपने माँ प्यो ते डिपेंडेंट रहिंदे आ। देखो ऊटां दे बच्चे भी उवें नाल नाल चल रहे आ।